वेलकम टू छाया सिंह की रसोई। आज मैं दशहरे की स्पेशल थाली का वीडियो आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें कुछ रेसिपी का वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ, जिसके मैं थोड़े थोड़े हाईलाइट आज डाल रही हूँ। पूरा वीडियो नहीं डाल रही हूँ मैं, जैसे कच्चे केले की सब्जी, इसका वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। देन पम्पकिन की सब्जी, इसका भी वीडियो मैं आप लोग से शेयर कर चुकी हूँ। इसके लिए पूरा नहीं दिखा रही हूँ वीडियो, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। एंड फ्राइड राइस, ये रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ, छोटा सा हाईलाइट डाल रही हूँ। आप भी ये रेसिपी सारा देखिएगा चैनल पे। बॉटल गाउट पुडिंग एंड कच्चे कैरी की चटनी, ये दोनों रेसिपी भी मैंने शेयर किया हुआ है, छोटा छोटा इसमें मैं दिखा रही हूँ। आज मैं आलू की कचौरी एंड सादी पूरी इसमें शेयर कर रही हूँ। बाकी की रेसिपी के हाइट मैंने आप लोग को दिखा दिया है, तो चलिए हम अभी कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू की कचौरी और सादी पूरी बनाएंगे हम। ये इंग्रेडिएंट्स हैं, आटा लिया है मैंने 400 ग्राम, कुकिंग ऑयल, धनिया की पत्ती, नमक, सौंफ, राई एंड जीरा। राई मैंने येलो कलर के लिए, ब्लैक भी ले सकते हैं आप। हल्दी पाउडर, अजवाइन, अदरक, हरी मिर्च, यहाँ मैंने दो ली है, तीखा ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ले सकते हैं, लहसुन, और इधर दो उबले आलू, बड़े हैं छोटे हैं तो चार पांच आप ले सकते हैं। फर्स्ट हम डो बनाएंगे। इसके लिए मैं फर्स्ट आटे में 4 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। देन सॉल्ट 1/2 टीस्पून एंड अजवाइन को थोड़ा सा हम प्रेस करके ऐसे हाथों से ऐसे करके फिर इसमें ऐड करेंगे। अभी सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई भी पराठा कचौरी आप बनाते हैं तो उसमें मोयन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, नमक और ऑयल का। अभी अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इसमें मैं नॉर्मल वाटर यूज कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके डो बना लेंगे। डो को ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। अभी हम इसमें थोड़ा सा घी लगाएंगे, आप चाहे तो ऑयल भी लगा सकते हैं। मैंने 1/2 टीस्पून घी लिया है, अब इसको अच्छे से लगा देंगे इसमें 1 मिनट तक। इसको और गूंथेंगे घी लगा के, जिससे डो काला नहीं होता है। ये देखिए, आपको ऐसा डो बना लेना है। इसको अभी हम ढक देते हैं और इसकी स्टफिंग रेडी कर लेते हैं। पैन को लो फ्लेम पे रखा है अभी। अभी इसमें मैं 2 स्पून ऑयल ऐड करूँगी। ऑयल गरम हो रहा है, तब तक ये लहसुन, मिर्ची, अदरक जो लिया था इसको हम दरदरा ग्राइंड कर लेंगे। कि ऐसा आपको इसको पीस लेना है। ऑयल गरम हो गया है, अभी राई, जीरा और सौंफ था, इसको मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। इसको हल्का सा भूनेंगे। अभी लहसुन, मिर्ची, अदरक का ये पिसा हुआ जो है पेस्ट, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। अभी इसमें हम हल्दी डालेंगे और ये जो उबले आलू हैं इनको ऐसे तोड़ के डाल देंगे। और इनको 1.5 से 2 मिनट तक लो फ्लेम पे ही भून लेंगे। भूनते हुए आपको थोड़ा इसको ऐसे प्रेस करके अच्छे से तोड़ लेना है। इसको ऐसे आपको मैश कर लेना है ताकि कचौरी भरने में आसानी रहे।
अच्छा, ये तो आप अच्छे से मैश करके पहले ही आलू को रखिए, फिर इसमें मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट आप भून लीजिए। जैसे आपको आसान लगे आप बना सकते हैं। तो देखिए अच्छे से भी स्टफिंग हमारी हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर लेंगे और इसको ठंडा करेंगे। अभी स्टफिंग अभी ठंडी हो गई है, इसमें मैं सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा सॉल्ट, कम ज़्यादा जैसा खाते हैं। इनको हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है अभी। चलिए अभी कचौरी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए इतना लेना है आटा आपको। थोड़ा सा हम बर्तन ऐसे लगाएंगे और इसको ऐसे हम बना लेंगे। अभी इसमें लगभग 1 चम्मच ये जो स्टफिंग है इसको भर लेंगे और इसको हम बंद कर लेंगे। ये देखिए ऐसे करके भर लेना है आपको, ऐसे थम से और उंगलियों की सहायता से, और हल्के से इसको प्रेस करते हुए ऐसे घुमाना है ये। और इसके बाद चकले पे रख के आपको ऐसे ये थोड़ा सा हम बर्तन लेंगे और इसको हम थोड़ा सा ऐसे ऐसा ही बनाना है आपको। ये इतना आटा लेना है आपको, एक और भर के दिखाते हैं। चाहिए तो इसको चकले पे आप ऐसे कर लीजिए और थोड़ा सा ऐसे बर्तन लगाइए इस पर और इसको थोड़ा ऐसे आपको बड़ा कर लेना है। इसको हम पांच कचौरी रेडी हो गई है। चलिए इसको तल लेते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसको कचौरी को इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम को मैंने लो रखा हुआ है। ये देखिए अच्छे से फूक रही हैं। आपको ऐसे ही गोल्डन ब्राउन तल लेना है। खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रंची होती है। आप भी इसको बनाने का ट्राई करिएगा। ये तल गई हैं अच्छे से। अभी हम इनको निकाल लेते हैं आयल से बाहर। बाकी के भी हम ऐसे ही तल लेंगे। सारी कचौरियाँ रेडी हो गई हैं। अभी चलिए हम सादी पूरी बनाएंगे। गैस को बंद कर देते हैं। इसी डो से हम अभी सादी पूरियाँ भी बनाएंगे। इसके लिए हम ऐसे छोटे छोटे बोलेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा हम बर्तन लगाएंगे और इसे पूरियां रेडी कर लेंगे। ऐसे ही सारी बना लेंगे। इतना रेडी कर लिया मैंने, अभी चलिए तल लेते हैं। तेल गरम है, अभी हम इसको तल लेते हैं। ऐसे ही गोल्डन कलर आपको पूरियां तल लेनी है।
हमारी अभी ये सारी पूड़ियाँ भी रेडी हो गई। फेस्टिवल थाली के लिए मैंने सारे डिश देखिए रेडी कर लिए हैं। इधर पंपकिन की सब्जी है, रॉ बनाना की सब्जी है, इधर पनीर फ्राइड राइस, बॉटल गाउट पुडिंग, ये चारों का वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। इधर मैंने कच्चे कैरी की चटनी रखी हुई है, पापड़ रोस्टेड, और इधर सलाद, और इधर पिकल। चलिए अभी हम थाली सजाते हैं। ये हो गई पंपकिन की सब्जी, ये रॉ बनाना, पनीर फ्राइड राइस, बॉटल गाउट पुडिंग, पिकल, कच्चे कैरी की चटनी, सादी पूरी। एंड कचौरी, सैलेड रखा हुआ है, एंड रोस्टेड पापड़। हैप्पी दशहरा। आप भी ऐसे फेस्टिवल की थाली बनाइए और अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।